छात्रों, हमने इससे पहले परिच्छेद क्रमांक 3 पढ़ा है। आइए अब हम अपराजय इस कहानी का परिच्छेद क्रमांक 4 देखते हैं। इस परिच्छेद में अमरनाथ जी कहते हैं कि आखिर मैं बाह तो नहीं हूं ना। सप्ताह भर बाद अमरनाथ अस्पताल से लौट आए थे, उनकी दाई बाहें काट दी गई थी। उन्होंने जल्दी ही बाएं हाथ से अपना काम करना सीख लिया था। धीरे धीरे वे अपने सारे काम खुद ही करने लगे थे। उनके लिए खुले कमीज सिलवाए गए थे। वे पहले की तरह सामान्य लग रहे थे। अमरनाथ के ने कहा था, कल से मैं शास्त्रीय संगीत सीखना चाहता हूं। शास्त्रीय जी को बुलाया जाए, सूचित कर दी जाए, कल से आने के लिए कहा जाए। बचपन से मैं सोचता आया हूं कि शास्त्रीय संगीत सीखना चाहता हूं, पर मैं वो सीख नहीं पाया। बीच में ही मैं वो शास्त्रीय संगीत छोड़ दिया था। शास्त्री जी आ गए थे। अमरनाथ ने शास्त्रीय गायन सीखना शुरू कर दिया। सुबह का समय उनके रियाज का समय था। दिन में शास्त्री जी आते थे, शाम को फिर अभ्यास करते। पहले रंग और रेखाएं थी, अब स्वर लहरिया थी। स्वर साधना में ध्वनिया का आह्वान करते, कभी ध्रुपद की गायकी खुली खेलते अवतरित होते। शास्त्र जी कभी कभार ख्याल में तान अलापते, तो कभी ठुमरी के उनके शब्दों में के भाव स्वरों में बांधकर मन प्राण तक पहुंच जाते। जहां लौकिक और अलौकिक, भौतिक और आत्मिक तथा स्थूल और सूक्ष्म की सारी सीमाएं टूट गई थी, मानव स्वर जीवन का एक नया बोध, एक नया अर्थ उद्घाटित कर रहे हूं। इस सब के साथ भी अमरनाथ की डॉक्टरी जांच अपने निश्चित समय पर होती थी। वे फिर बीमार पड़े, वही तेज बुखार, डॉक्टर के चेहरे पर वही चिंता, घर के लोग दुख से व्याकुल, अब क्या होगा डॉक्टर साहब। उन्होंने अस्पताल ले जाया गया। वे सप्ताह भर बाद लौट आए थे। उनकी आवाज जा चुकी थी, पर उनकी आंखें हंस रही थी, वैसी ही हंसी जैसे कह रही हो, देखो मैं जीवंत हूं, मुझे चुनौती मत दो। जीवन अनुभव और कला के अनुभव की एकात्मा का खोलता सच था वो। उनके कहने पर शास्त्रीय संगीत तज्ञ के कैसेट और डिस्क, उनका म्यूजिशियम सिस्टम उनके कमरे के साइन बोर्ड पर रख दिया गया था। उनके कमरे की सज्जा नए सिरे से उनकी सुविधानुसार कर दी गई थी। उन्होंने इशारों से बताया था, मैं संगीत सीखा पर सुना तो था ही नहीं, मेरी साधना अधूरी नहीं रही। जिन्होंने अपनी साधना पूरी की उनकी सिद्धि का लाभ तो ले सकता हूं। उनकी दिनचर्या बदल गई थी। वे मुस्कुराते इशारों में जैसे कहते हो, मैं अभी जिंदा हूं। इस तरीके से अमरनाथ जी अपनी एक्सीडेंट वाली जिंदगी के बाद में शुरुआत करते हैं। अब हम परिच्छेद क्रमांक 5 आते वीडियो में देखते हैं।